मैं हूँ जॉय। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जियो स्मार्ट किराना में प्रोग्राम में ऐसी दुकानदारों को कैसे जियो स्मार्ट किराना प्रोग्राम में इंटर किया जाता है। पहली बात तो ये है कि अगर इस प्रोग्राम में आपको अंतर्गत होना है तो पहले दुकान को ऐसी सेल्फ सर्विस काउंटर होना चाहिए। सेल्फ सर्विस काउंटर मीन्स ऐसा प्रोडक्ट रहेगा, कस्टमर आएगा, खुद से ख़रीदारी करेगा, यहाँ से ये बिलिंग काउंटर है, यहाँ से बिलिंग करेगा और निकल जाएगा। इस टाइप दुकान को सेल्फ सर्विस काउंटर बोलते हैं। ऐसी सेल्फ सर्विस काउंटर होने की बात, ये जो बोर्ड लगता है, ये जो है ये आपका CTM सर से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो ऐसी बोर्ड आता है, ये ग्लो साइन बोर्ड है, रात में जलता है। ऐसी बोर्ड आता है, इसमें दुकान का नाम लिखा हुआ आता है और जियो स्मार्ट किराना प्रोग्राम लिखा हुआ आता है। इसके बाद ये जो काउंटर है ये JSK का अंतर्गत हो जाता है, यानी कि जियो स्मार्ट किराना प्रोग्राम की अंतर्गत हो जाता है। ये हो जाने की बात, यहाँ कर जो मर्चेंट जो रहता है वो जो भी चीज़ ख़रीदारी करता है जियो मार्ट ऐप के थ्रू, उसमें वो सारा महीने में जितना ख़रीदारी करता है उसमें से 1% उसका रिटर्न मिलता है। और कंज्यूमर ब्रांड जो होता है, जो रिलायंस का खुद का प्रोडक्ट है, उनमें उनको 2% अगर 2% मिलता है अगर वो 200 करके MRP वैल्यू रखता है हर एक प्रोडक्ट में। जितना वो प्रोडक्ट लेंगे 200% के ऊपर, उसमें से उनको 2 रुपये करके रिटर्न मिलेगा अदर ब्रांड में। अगर वो कंज्यूमर ब्रांड होता है वही एक ही रूल रहेगा, लेकिन उनको 5% रिटर्न मिलेगा। और इनमें और बहुत फैसिलिटीज़ है, वो हमको आप लोगों को हम धीरे धीरे बताते जाएंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। अभी के लिए इतना ही है। ये JSK का स्मार्ट किराना प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो ये जो दुकान है ये आपका कल्याणी में पड़ता है, कल्याणी बी ब्लॉक में। इसका नाम है आपका डेली मार्केट। ये जियो स्मार्ट किराना प्रोग्राम के अंदर आता है, अंतर्गत होता है। तो यही था आज के लिए। धन्यवाद इस चैनल की वीडियो देखने के लिए। अगर इतने समय अपने मेरा जो वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो करने का। थैंक यू।